हेलो एवरीवान एंड आई वेलकम यू ऑल टू माई चैनल कारिया ग्लो एंड कारिया ग्लो इज ऑलवेज हैप्पी टू हेल्प यू इन योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स सो एज यू ऑलरेडी नो दैट कि हम लोगों ने डी ट्रिपल एस बी पी आर टी का स्पेशल क्लासेस चलाया था जिसके अंदर हम लोग एम डब्ल्यू एफ में क्लासेज आपको दे रहे थे प्रोवाइड कर रहे थे एंड दीज लेक्चर्स आर प्रेजेंटेड टू यू बाई कारिया ग्लो और आज का जो हम लोग का टॉपिक है दैट इज साइकोलॉजी का जो चाइल्ड डेवलपमेंट का है वो हम पढ़ने वाले हैं बट ये रिविजन क्लास है अगेन इट्स अ रिविजन क्लास बट ये कहने को रिविजन क्लास है लेकिन है इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी इसके अंदर और भी काफ़ी सारी चीज़ें जैसे कि नई नई चीज़ें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखने को मिलेंगे और बहुत ही पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें होंगी तो ये रिविजन क्लासेस हैं जितनी भी जो भी हमने क्लासेस करी हैं चाइल्ड डेवलपमेंट की उससे रिलेटेड ये रिविजन क्लास है इंपॉर्टेंट है इसलिए पढ़िए आप केवी में भी ये हेल्प करेगा ये जितने भी क्लासेज हैं आपकी के वी में भी हेल्प करेंगी और सी का जो सी डी सेक्शन होता है उसमें भी हेल्प करेगा चाहे आप पेपर वन की तैयारी कर रहे हो या फिर टू की तैयारी कर रहे हो से वॉट इज द मीनिंग ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट तो जैसे यहां पर लिखा है कि फिजिकल डेवलपमेंट क्या है तो एक्चुअली हम यहां पर पूरे इंसान की बात कर रहे हैं एक एडल्ट की बात कर रहे हैं या फिर एक बच्चे की बात कर रहे हैं तो उसमें फ़िज़िकल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है ये हम अपनी पिछली क्लासेस में भी देख चुके हैं कि फिज़िकल इम्पॉ फिज़िकल डेवलपमेंट जो है वो बच्चे का होता है मतलब वो एक, एक ऐसा टाइम पीरियड आता है कि आपकी जो ग्रोथ है ना वो रुक जाती है अदरवाइज़ डेवलपमेंट तो पूरा समय चलता है यानी कि जीवन पर्यंत की हमने बात की थी ना कि Uh, हमेशा चलता है लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है जो डेवलपमेंट है तो हमने लाइफ स्पैन थ्योरी देखी थी तो उसके अंदर भी यही लिखा था ना कि जो डेवलपमेंट होता है वो आपका लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है सो बट फिज़िकल डेवलपमेंट इज़ डिफरेंट बिकॉज फ़िजिकल डेवलपमेंट जो है ना वो ग्रोथ का एक पार्ट होता है जिसकी बात हम पहले भी कर चुके हैं सो फिज़िकल डेवलपमेंट क्या है ये ग्रोथ का पार्ट होता है इसमें हमारा बॉडी जो है ग्रो करता है हमारा जो साइज़ है वो चेंज होता है साइज़ चेंज होने का मतलब क्या है कि पहले आपकी हाइट जो है 123 सेंटीमीटर थी अब आपकी हाइट 143 सेंटीमीटर हो गई फिर 147 सेंटीमीटर हो गई या पहले आप चार फिट के थे फीट के थे फिर आप पाँच uh, फीट के हो गए तो फाइव फाइव फ़ीट सिक्स समथिंग कुछ जो भी है आप उसने तक के हो गए तो ये क्या है आपके साइज़ में चेंजेस है फिर शेप में भी बदलाव आता है जैसे मान लीजिए कि आपका वेट जो था वो पहले ट्वेंटी सेवन के जी था फिर फोर्टी हो गया राइट right? मतलब एकदम से नहीं पहले थर्टी थर्टी फाइव फिर फोर्टी फोर्टी सेवन फिफ्टी समथिंग लाइक दैट तो ये क्या है ये शेप में चेंजेस आ रहे हैं आपके शेप में आपकी बोन डेंसिटी में और हर चीज़ में चेंज आए होंगे ना बोन्स वगैरह के स्ट्रक्चर में भी चेंज आते हैं तो क्या है ये फिज़िकल डेवलपमेंट है तो फिज़िकल डेवलपमेंट ना बाहर दिखाई देता है कि अगर आप बढ़ रहे हो आपका शेप चेंज हो रहा है या आपका साइज चेंज हो रहा है या फिर जो आपका हाइट है वो इंक्रीज़ हो रहा है तो उसमें आपको चेंजेस जो हैं वो दिखेंगे अच्छा फिज़िकल मेचोरिटी भी आती है पूरे पूरे बॉडी की फिजिकल मेच्योरिटी होती है ना व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फ़िजिकल मेच्योरिटी तो फिजिकल मेच्योरिटी का सिंपल मीनिंग ये है कि पहले आप कम वेट उठा पाते थे आज आप ज़्यादा वेट उठा पाते हो राइट right? पहले आप कम वेट उठा पाते थे आज आप ज़्यादा वेट उठा पाते, आप पाते क्योंकि आपकी बॉडी में वो मेचोरिटी आ गई है अब आपके अंदर वो फिजिकल एबिलिटीज आ गई और आप अब कोऑर्डिनेशन कर पा रहे हो सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं बात करूँ साइकिल चलाना तो साइकिल चलाने का भी एक एक तरीका होता है साइकिल जब आप चला रहे होते हो तो उसमें क्या होता है कोऑर्डिनेशन होता है किस चीज़ का आपके लेग्स का कोऑर्डिनेशन होता है आपके हाथों का कोऑर्डिनेशन होता है आपकी आँखों का कोऑर्डिनेशन होता है इन सब चीज़ों का कोऑर्डिनेशन हमें बना के रखना पड़ता है बैलेंस बना के रखना पड़ता है तभी तो आप साइकिल चला पाते हो या जैसे आप स्कूटी सीख रहे हो साइकिल सीख रहे हो या फिर आप कार चलाना सीख रहे हो तो ये सब क्या है कोऑर्डिनेशन है ये सब एक कोऑर्डिनेशन की वजह से होता है तो इसलिए फ़िज़िकल डेवलपमेंट के अंदर क्या आता है आपके साइज़ में परिवर्तन आते हैं आपके साइज़ में चेंज आते हैं आता है शेप में चेंज आ सकता है फिज़िकल मेचोरिटी ऑफ द बॉडी बढ़ती है फिजिकल एबिलिटीज़ आपके अंदर आती है और आप क्या कर पाते हो कोऑर्डिनेट कर पाते हो विच इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट जैसे कि बच्चा है अगर जब बच्चा बहुत छोटा होता है ना बिल्कुल छोटा होता है तो पहले वो अपना सर यानी कि गर्दन संभालना सीखता है उसके बाद वो क्रॉल करके रेंग के चलना सीखता है फिर वो धीरे धीरे ना सपोर्ट लेकर के खड़ा होना सीखता है और जब वो चल है तो वो सपोर्ट लेके चलता है क्यों क्योंकि अभी उसके पैरों का कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाया है इसलिए सो फिजिकल डेवलपमेंट जो है वो धीरे धीरे होगा अब इसके अंदर दो चीज़ें आती हैं दैट इज फाइन मोटर स्किल्स एंड ग्रॉस मोटर स्किल्स बट सबसे पहले हम लोग फाइन मोटर स्किल्स के बजाय हम लोग पहले ग्रॉस मोटर स्किल्स को पढ़ेंगे तो ग्रॉस मोटर स्किल का मतलब क्या होता है ग्रॉस का मतलब है बिग मसल जब आपकी बड़ी बड़ी मसल्स का मूवमेंट हो तो उसको हम ग्रॉस मोटर स्किल्स कहेंगे जिसमें आप अपनी बड़ी मसल का इस्तेमाल कर रहे हो जैसे कि अपने लेग्स का इस्तेमाल कर रहे हो अपने हाथों का इस्तेमाल कर रहे हो तो उसको हम बोलेंगे ग्रॉस मोटर स्किल्स तो जैसे यहाँ लिखा है ग्रॉस मोटर स्किल्स ड्यूरिंग द अर्ली चाइल्ड हुड ईयर्स इन्वॉल्व द यूज़ ऑफ आर्म्स तो जब आपका चाइल्ड हुड का टाइम पीरियड होता है ईयर होता है जिसमें अर्ली चाइल्डहुड आता है तो उसमें आप क्या यूज़ करते हो अपने हाथों का यूज़ करते हो अपने लेग्स का यूज़ करते हो एंड मूविंग अराउंड विद कॉन्फिडेंस एंड मोर पर्पसली इन द इन्वायरमेंट मतलब आप अच्छे से घूम सकते हो मतलब जब आप अर्ली चाइल्डहुड में आते हो तो थोड़ा बहुत बच्चा चलने लगता है ठीक है मतलब वो पहल, जब वो फर्स्ट ईयर उसका कंप्लीट हो जाता है बॉर्न होने के बाद जब पहले एक साल का जब वो होता है तो वो धीरे धीरे ना सपोर्ट लेके चलना शुरू कर देता है इतना तो वो कर ही देता है और जब वो अर्ली चाइल्डहुड में आ जाएगा जब वो तीन साल का होगा चार साल का होगा तो वो चलने लगता है राइट तो क्या है वो अपने आर्म्स और अपने लेग्स उसके ग्रॉस मोटर स्किल ज़्यादा काम करते हैं वो उनसे काम करता है राइट तो आर्म्स एंड लेग्स जो है जब आप अपने बिग मसल्स या बड़ी मसल का इस्तेमाल कर रहे हो तो उसको हम ग्रॉस मोटर स्किल्स कहेंगे तो यहाँ लिखा है ग्रॉस मोटर स्किल्स जिसमें लार्जर मूवमेंट्स करते हैं हम लोग किससे अपने लेग्स से फीट से और आर्म से अब इसमें क्या है हमारी पूरी एंटायर बॉडी काम करती है जैसे जब आप स्विमिंग कर रहे हो बच्चों की बात तो अलग है बट पर अगर हम अभी की बात करें तो जैसे हम जब स्विमिंग करते हैं हम ड्राइविंग करते हैं ड्राइविंग तो वैसे आपका फाइन मोटर स्किल के अंदर भी आ सकता है क्यों क्योंकि मैं वो बताऊँगी तो स्विमिंग करते हो आप डांसिंग करते हो उसमें भी आपके आपकी बिग मसल्स का इस्तेमाल होता है आपके हाथों का इस्तेमाल होता है आपके पैरों का इस्तेमाल होता है जंपिंग करते हो जंपिंग जैक्स करते हो या रनिंग करते हो तो इन सब में आपके ग्रॉस मोटर स्किल्स का इस्तेमाल होता है देन आता है फाइन मोटर स्किल्स दट इज़ द मीनिंग ऑफ फाइन मोटर स्किल्स तो यहाँ जैसे लिखा है फिंगर डेक्सटेरिटी मतलब आपको अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करना आता है इस्तेमाल इन देंस कि आप अपनी उंगलियों से चीज़ें उठा लेते हो पहले क्या होता है जैसे अगर आपको बॉटल भी चाहिए होगी ना छोटा बच्चा क्या करता है उसको बॉटल उठानी होती है ग्लास उठाना होता है तो पूरे पूरे पाम का इस्तेमाल करता है और दोनों हाथों का इस्तेमाल करता है लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे हम एक ही हाथ का इस्तेमाल करते हैं और कभी कभी तो हम जैसे कि थम एंड आपका जो इंडेक्स फिंगर होता है उसको पकड़ के भी एक ग्लास को दूसरे गाँव पर शिफ्ट कर सकते हैं किया जा सकता है तो ये क्या है फिंगर की डेक्सटेडिटी आ जाती है इस दौरान आप लिखना भी सीखते हो ठीक है मतलब अर्ली चाइल्डहुड के ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड आप फिर धीरे धीरे लिखना सीखते हो पेन Pen, पेंसिल जो भी है वो पकड़ना सीखते हो तो फिंगर की डेक्सटरिटी आती है आई और हैंड का कोऑर्डिनेशन आप बना पाते हो तो अगर मैं बात करूं ड्राइविंग की तो ड्राइविंग के अंदर क्या है आपका आंखों का भी है कि आपको दोनों मिरर्स में देखना है राइट तो जो साइड मिरर्स होते हैं उन दोनों में भी देखना है बीच में जो मिरर होता है उसके अंदर भी आप देखते हो तो आई का और हाथों का कोऑर्डिनेशन होता है लेकिन साथ में आपके पैरों का भी कोऑर्डिनेशन है आपके फीट का भी कोऑर्डिनेशन है तो उस हिसाब से हम ग्रॉस मोटर स्किल का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि एक पूरी बॉडी ही तो इस्तेमाल हो रही है ना आपकी आई भी इस्तेमाल हो रही है आपका हैंड भी इस्तेमाल हो रहा है फिर आप अपनी गर्दन का भी इस्तेमाल करोगे इधर उधर देखने के लिए तो ये क्या है कि आप जो है वो ग्रॉस मोटर स्किल का इस्तेमाल कर रहे हो इसलिए हमने ड्राइविंग को इसके अंदर लिख दिया अदरवाइज़ फ़ाइन मोटर स्किल्स में लग सकता है कि ये फाइन मोटर स्किल्स हो सकता है बट ये वो नहीं है इसमें फिंगर की डेक्सटिविटी होती है आई और हैंड का कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है जो इम्प्रूव सब्सटैंशली ड्यूरिंग अर्ली अर्ली चाइल्डहुड तो आपका अर्ली चाइल्डहुड में धीरे धीरे आई हैंड का कोऑर्डिनेशन एंड फिंगर की डेक्सट्रिटी आती है ड्यूरिंग दीज ईयर्स द चाइल्ड्स प्रेफरेंस फॉर लेफ्ट और राइट हैंड आल्सो डेवलप्स कि बच्चा किस हाथ से लिखेगा किस हाथ का इस्तेमाल करेगा तो लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड का कोऑर्डिनेशन भी बच्चे को सॉरी नॉट कोऑर्डिनेशन प्रेफरेंस जो होता है वो बच्चे को इसमें मिलता है मतलब इसी में ही समझता है वो कि लेफ्ट हैंड लेफ्ट हैंड से लिखना है या राइट हैंड तो ये प्रेफरेंस भी उसका इसी दौरान डेवलप होता है ठीक है अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ है कि एक दो और इसके अंदर जैसे यहाँ पे कुछ डिफिनेशन्स हैं क्या लिखा हुआ है फ़ाइन मोटर स्किल्स में द कोऑर्डिनेशन ऑफ स्मॉल मसल यानी कि आपके छोटी मसल्स की जरूरत होती है जब आप राइटिंग कर रहे हो तो आपके फिंगर की ज़रूरत होती है यानी कि जैसे आपका थम और इंडेक्स फिंगर ये ये इंपॉर्टेंट होता है लिखने के दौरान ठीक है और बाकी फिंगर्स भी इम्पॉर्टेंट होती है सपोर्ट के लिए फिर ऑपरेशन करते टाइम जब डॉक्टर्स ऑपरेशन करते हैं तो कहीं पर भी अब जैसे कि आप किसी एक जगह को ऑपरेट कर रहे हो तो आपको कट भी बहुत अच्छे से लगाना होता है राइट right? ऑपरेशन के दौरान जब आप नीटिंग कर रहे हो यानी कि कढ़ाई बुनाई कर रहे हो कुछ भी कर रहे हो तो उसके अंदर क्या चाहिए ये स्मॉल मसल मूवमेंट्स हैं ये बहुत ही इंट्रेंसिक और बहुत ही स्मॉल मसल मूवमेंट्स होती हैं इन मूवमेंट्स यूजली इन्वॉल्विंग सिंक्रोनाइजेशन ऑफ हैंड्स एंड फिंगर्स विद आइज आपके हाथों का आपकी फिंगर्स का और आपके आँखों का कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है भाई ऑपरेशन आप आँख बंद करके तो नहीं कर सकते आपके फिंगर्स का हैंड्स का कोऑर्डिनेशन अच्छा होना चाहिए राइटिंग भी आप आग बंद करके नहीं कर सकते नीटिंग कर रहे हो कढ़ाई बुनाई कर रहे हो उस दौरान कोई आप डिज़ाइन बना रहे हो तो भी वो आप ऐसे नहीं कर सकते तो ये क्या है फाइन मोटर स्किल्स कहलाते हैं जो कि ये इंपॉर्टेंट था कि इसमें हमारी छोटी मसल्स काम करती हैं इसमें फिंगर का डेक्सटिविटी इंपॉर्टेंट है आई और हैंड का कोऑर्डिनेशन ज़रूरी है जबकि ग्रॉस मोटर स्किल्स में आप अपनी बड़ी मसल का इस्तेमाल करते हो एंड फ़िज़िकल डेवलपमेंट जब आप अपना सा आपके साइज़ में आपके शेप में आपका फिजिकल मेचोरिटी इन सब में चेंजेस आते हैं तो ये फिजिकल डेवलपमेंट है देन नेक्स्ट इज़ कोगनेटिव डेवलपमेंट कागनेशन इज़ रिलेटेड टू नोइंग द प्रोसेस ऑफ नोइंग यानी कि यहाँ पे लिखा है कागनेशन डील्स विद द प्रोसेस ऑफ नोइंग जब आप जानते हो जानने की कोशिश करते हो तो उसको हम कागनेशन कह रहे हैं यानी कि प्रोसेस ऑफ नोइंग जानना किसी चीज़ को इसमें आपके सारे मेंटल प्रोसेस आ जाते हैं जैसे कि सोचना थिंकिंग करना रीजनिंग तर्क लगाना हर चीज़ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग जब आप प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो कोई भी आपके सामने दिन भर में जो भी प्रॉब्लम आती है उसको सॉल्व करते हो तो कैसे कर रहे हो सोच के कर रहे हो थिंकिंग कर रहे हो रीजनिंग लगा रहे हो कोग्नेटिव डेवलपमेंट ही है ये फिर आप अपने लिए डिसीजंस लेते हो डिसीजन मेकिंग प्लानिंग करना जैसे कल अगर एग्ज़ाम है वाइवा है आपका या फिर मान लीजिए कि जो भी प्रैक्टिकल्स अगर चल रहे हैं जैसे ट्वेल्थ के प्रैक्टिकल्स चल रहे हैं तो प्लानिंग कैसे करना कि अब या फिर कोई भी एग्ज़ाम पर्टिकुलरली आ रहा है तो उसमें आप प्लानिंग करते हो तो ये जो भी प्लानिंग है डिसीजन मेकिंग है प्रॉब्लम सॉल्विंग है ये सब कुछ आपके कॉग्निशन के अंदर आता है ये मेंटल डेवलपमेंट मेंटल स्किल्स इमेजिन करना किसी चीज़ को इंटेलेक्ट नोइंग अंडरस्टैंडिंग रिमेंबर याद रखना मेमोरी बनाना फिर भूल जाना कुछ कुछ आप भूल भी जाते हैं तो फॉरगेटिंग इमिटेशन कॉपी करना अटेंशन यानी कि कंसनट्रेट करना परसेप्शन बनाना जो भी हम अपने सेंसेस के थ्रू बनाते हैं तो ये सब कुछ कागनेटिव डेवलपमेंट का पार्ट है मतलब सब कुछ कागनेशन का पार्ट है देन आता है अब हमने ना एक्चुअली चार डोमेन्स पढ़े थे पहले हमने फ़ोर डोमेन्स पढ़े थे फोर डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट पढ़े थे जिसके अंदर हमने पढ़ा था फ़िज़िकल एक तो फिज़िकल डेवलपमेंट पढ़ा था फिर हमने कॉग्निटिव डेवलपमेंट पढ़ा था फिर हमने सोशियो एंड इमोशनल था जो कि एक साथ था पिछली क्लास में हमने सोशियो इमोशनल को एक साथ पढ़ा था तो वही चीज़ है यहाँ पे, अब यहाँ पर एक डेफिनेशन लिखा हुआ है दैट इज द प्रोसेस ऑफ गेनिंग द प्रोसेस ऑफ गेनिंग द प्रोसेस ऑफ गेनिंग ऑफ नॉलेज तो जब वो प्रोसेस जिसमें हम नॉलेज को गेन करते हैं एंड स्किल्स विच इज़ नीडेड जिसके जिसमें हमें कुछ स्किल्स की ज़रूरत होती है विच इज़ इम्पॉर्टेंट टू इंटरेक्ट विद अदर्स तो क्या होता है ना ये सोशल है ये सोशल वाले पॉइंट में लिखा हुआ है इसमें क्या है कि हमें ना नॉलेज की ज़रूरत होती है थोड़े स्किल्स की ज़रूरत होती है सो दैट हम दूसरों से बात कर सकें इंटरेक्ट कर सकें तो हमारा सोशलाइजेशन इम्पॉर्टेंट है जिसे हम कहते हैं समाजीकरण तो हमारा समाजीकरण होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ठीक है ताकि हम दो चार लोगों में उठ बैठ सकें बातें कर सकें उनसे तो ये स्किल्स आनी चाहिए तो ये क्या है सोशल है समाज में आपका उठना बैठना कैसे आप उनसे बातें कर रहे हो ये सारी चीज़ें देन आता है इमोशनल समाज में रहकर ही हम थोड़े इमोशनल बनते हैं हमारे अंदर सिंपत्ति आती है हमारे अंदर एम्पथी आती है तो यहाँ पर क्या है फीलिंग्स एंड इमोशनल रिस्पॉन्स टू इवेंट्स कोई भी इवेंट है कोई भी घटना आपके सामने घटी है उस पर आप क्या प्रतिक्रिया दे रहे हो आपकी कैसी फीलिंग्स है आपका कैसा इमोशनल रिस्पॉन्स है चेंजेस सो दैट वन कैन One can one's, हाँ, वन कैन वंस अच्छा हाँ चेंजेस सो दैट वन कैन वन्स ओन फीलिंग मतलब वन कैन शेयर वन्स ओन फीलिंग ये शेयर होना चाहिए यहाँ पर वन कैन शेयर वन्स ओन फीलिंग्स यानि कि आप अपनी फीलिंग्स आके शेयर कर सको आई नो हाउ टू कंट्रोल एंड एक्सप्रेस दोज फीलिंग्स यानी कि इमोशनली अगर आप किसी से अटैच्ड हो या इमोशनली किसी चीज़ पर आप अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हो आप रिस्पॉन्स दे रहे हो किसी इवेंट के ऊपर तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप अपनी फीलिंग्स को कैसे एक्सप्रेस करो और कंट्रोल भी करना हो तो कैसे किया जाए यह आपको पता होना चाहिए आपको आना चाहिए देन लास्टली यहाँ पे लिखा हुआ है सोशल इमोशनल डेवलपमेंट मींस हाउ चिल्ड्रन स्टार्ट टू अंडरस्टैंड हु दे आर तो सोशल इमोशनल डेवलपमेंट का मतलब है कि बच्चा जो है वो कैसे समझता है कि मैं कौन हूँ हम क्या हैं मतलब हु दे आर हम कौन है वट आर दी फीलिंग हम क्या फ़ील कर रहे हैं एंड वट टू एक्सपेक्ट वन इंटरेक्टिंग विद अदर्स और हम अगर हम जब दूसरों से बात करते हैं तो हमें कैसा इन, उनसे कैसे इंटरेक्ट करना चाहिए क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए जब हम उनसे इंटरेक्ट कर रहे हैं तो जब हम उनसे बातचीत कर रहे हैं, तो कैसे इंटरेक्ट करना चाहिए कैसे एक्सपेक्ट क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए उसके बाद ये तो हो गए हमारे फ़िज़िकल uh, डेवलपमेंट की बात कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात इमोशनल एंड सोशल तो ये हमारे चार एक्चुअली तीन मतलब वैसे तो फोर डोमेन्स आप मान सकते हैं हम फोर डोमेन्स हैं बट हम इसको तीन डोमेन समझेंगे फिजिकल कॉगनेटिव और सोशल इमोशनल तो एक साथ आता ही है देन नेक्स्ट है डेवलपमेंट वट इज़ द मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट तो डेवलपमेंट के बारे में भी हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं पिछली क्लासेस में डेवलपमेंट क्या है इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस हमने पढ़ा था लाइफ स्पैन थ्योरी में दैट इट इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस ये जीवन पर्यंत चलता है राइट right? तो इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस जिसमें आपका फिजिकल इमोशनल कॉग्निटिव सब कुछ आता है मतलब आपका फिजिकल डेवलपमेंट होता है आपका इमोशनल डेवलपमेंट होता है समाज में आप बैठते हो तो आपका सामाजिक डेवलपमेंट होता है सामाजिक विकास होता है और आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है जो डेवलपमेंट है दैट इज़ दैट विल बी ऑर्डरली एक ऑर्डर होगा जब आप एक एक होता है ना एक एक कॉन्सेप्शन पीरियड होता है पहली बात तो कॉन्सेप्शन पीरियड आएगा उसके बाद ही तो गर्भाधान होगा तभी तो बच्चा पैदा होगा ना तभी तो बर्थ होगा और बर्थ होगा तो बच्चा क्या बनेगा न्योनेट उसके बाद कौन सी स्टेज आएगी उसकी न्योनेट के बाद आती है इन्फेंसी फिर चाइल्डहुड uh, एडल्टहुड तो ये ऑर्डरली है चेंजेस मतलब जो भी स्टेजेस है वो एक ऑर्डर में है पहले बच्चा जो है अडल्टुड में चला गया उसके बाद वो ओल्ड एज में आ गया या फिर उसके बाद वो इन्फेंट हो गया ऐसा तो नहीं हो सकता सब कुछ ऑर्डर में है प्रिडिक्टेबल चेंजेस है आपको पता होगा कि इसके बाद जो बच्चा है जैसे चाइल्डहुड के बाद बच्चा जो है वो अपने एडोलसेंट में जाएगा तो ये क्या है प्रिडिक्टेबल चेंजेस है ये हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं फ्रॉम प्री नाटल टू ओल्ड एज ये पूरी स्टेजेस हमने देखी थी इंक्लूड बोथ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और सॉरी ग्रोथ एंड डिक्लाइन यानी कि डेवलपमेंट के अंदर आपका ग्रोथ भी होता है हाइट का शेप में चेंजेस आना ये सब ग्रोथ है और डिक्लाइन भी होता है कैसे जैसे मेमोरी लॉस हो गया ये दांत जो है वो टूट गए ठीक है बुढ़ापे में जैसे जैसे आप जाते हो तो मेमोरी लॉस होता है हम अपने टीथ खो देते हैं तो क्या है ये ग्रोथ तो हो रही है पर डिक्लाइन भी तो हो रहा है ग्रोथ इज़ नॉट अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस वाइल डेवलपमेंट इज़ ग्रोथ एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस नहीं है कभी भी क्योंकि ग्रोथ जो है ना वो एक टाइम के बाद रुक जाती है लेकिन डेवलपमेंट नहीं रुकता वो हमने क्या पढ़ा था वूम टू टूम चलता है ग्रेडल टू ग्रेव चलता है पूरा सब कुछ पूरा लाइफ स्पैन तक चलता है जब तक कि हम मर नहीं जाते तो ये क्या है ग्रोथ इज़ नॉट अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस ये कोई लाइफ लॉन्ग प्रोसेस नहीं है ग्रोथ जो है वो ट्वेंटी ईयर्स या ट्वेंटी फाइव के बाद जो है स्टॉप हो जाती है और समथिंग मतलब ट्वेंटी टू अब ट्वेंटी फाइव तक स्टॉप हो जाती है एंड कैन बी मेजरेबल ग्रोथ मेजरेबल हो सकते हैं हमने क्या पढ़ा था हाइट को मेजर किया जा सकता है आपका वेट मेजर किया जा सकता है तो येस इट इज़ मेजरेबल पहले आप फिफ्टी के जीज़ उठाते थे अब आप हंड्रेड के उठा लेते हो तो ये क्या है आपका फिजिकल मेचोरिटी मेजर किया जा सकता है हमने मेजर कर लिया देन डेवलपमेंट बड़ा सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होता है धीरे धीरे सिंपल सिंपल चीज़ों से कॉम्प्लेक्स तक जाता है जनरल टू स्पेसिफिक होता है यूनिवर्सल होता है मतलब चाहे ऑस्ट्रेलिया का कोई बच्चा हो चाहे अमेरिका का कोई बच्चा हो स्टेजेस सेम रहेंगी रेट मैंने पहले भी बताया था कि रेट भले ही अलग हो जाए मतलब सबके डेवलपमेंट का रेट तो अलग हो सकता है ना किसी को थोड़ी पहले समझ आ जाती है किसी को थोड़ा बाद में मैच्योरिटी आती है तो रेट भले ही अलग हो सकता है बट ऑर्डर यूनिवर्सल है राइट इसमें सीक्वेंस होता है ऑर्डर होता है हर एक सीक्वेंस होता है कि इसके बाद यही आएगा एडल्ट हुड के बाद ओल्ड एज ही आएगी आप वापस इन्फेंसी में नहीं जा सकते दिस इज सीक्वेंस ऑर्डर होता है लाइफ लॉन्ग है इसके ब्रॉड डोमेन्स हमने पढ़े थे कौन कौन से ब्रॉड डोमेन्स हैं तो फिजिकल हो गया कॉग्निटिव हो गया सोशल इमोशनल ये इसके ब्रॉड डोमेन्स है इसमें ग्रोथ भी आती है जो कि कैसी होती है क्वान्टिटेटिव एंडि सॉरी क्वान्टिटेटिव होती है विच कैन बी मेजरेबल यहाँ पे लिखा भी हुआ है ग्रोथ कैसी होती है मेजरेबल होती है क्वान्टिटेटिव होती है क्वान्टिटिव में नाप सकते हो साइज़ है शेप है स्ट्रक्चर में चेंजेस आता है रिलेटेड टू फिजिकल चेंजेस मीन्स रिलेटेड टू फिज़िकल डेवलपमेंट एंड ग्रोथ तो डेवलपमेंट का पार्ट है ही ये हमें पता ही है अच्छे से देन जो आपका ग्रो डेवलपमेंट होता है दैट विल बी क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वान्टिटेटिव वो दोनों होता है और डेवलपमेंट वूम टू डूम चलता है गर्भ से कब्र तक जाता है वॉट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ये हम पहले पढ़ चुके हैं दैट देयर इज़ द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जिसमें ग्रोथ जो है वो मेजरेबल है वाई डेवलपमेंट इज़ नॉट मेजरेबल देन रिलेटेड टू फिजिकल चेंजेस ये हो गया नैरो डोमेन है जो ग्रोथ है ना वो नैरो डोमेन है इट स्टॉप्स आफ्टर अटेनिंग मेचोरिटी जब आपकी मेचोरिटी हो जाती है ना जब एक मेचोरिटी का स्टेज आ जाता है उसके बाद ग्रोथ रुक जाती है ग्रोथ का कोई फिक्स पैटर्न नहीं है कि मतलब आपकी हाइट जो है वो uh, मतलब कहाँ नहीं जा सकता आपकी हाइट जो है जैसे वन फोर्टी सेवन सेंटीमीटर ज़रूरी नहीं कि इससे ज़्यादा बढ़ ही नहीं सकती ऐसा नहीं मतलब कोई फिक्स पैटर्न नहीं है इसका कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है बट डेवलपमेंट का ज़रूर है डेवलपमेंट का फिक्स पैटर्न होता है कि इनफेंसी के बाद जो है वो चाइल्डहुड का स्टेज आएगा उसके बाद एडोल्टेंस आएगा सो देयर इज़ अ फिक्स पैटर्न इन डेवलपमेंट बट नॉट इन ग्रोथ ग्रोथ में देयर इज़ नो फिक्स पैटर्न नो फिक्स डायरेक्शन और डेवलपमेंट क्वालिटेटिव क्वान्टिटेटिव दोनों होता है रिलेटेड टू ऑल डोमेन्स के नॉट बी मेजरेबल डेवलपमेंट को आप मेजर नहीं कर सकते फंक्शनल चेंजेस होते हैं ऑर्डरली होते हैं सिक्वेंस होता है इसमें एंड ऑल डोमेन्स आर इंटर रिलेटेड मीन्स फिजिकल डोम फिजिकल डेवलपमेंट कोअर्गोनेटिव डोमेन या डेवलपमेंट इमोशनल सोशल डेवलपमेंट या डोमेन जो भी होता है ये सारे आपस में इंटर रिलेटेड हैं राइट हमने पहले भी बात की थी कि अगर आप फिजिकली फिट नहीं है तो आप सोच नहीं पाएंगे ढंग ढंग से सोच नहीं पाएंगे दिमाग नहीं चल पाएगा कॉग्निशन नहीं हो पाएगा कंसंट्रेशन नहीं हो पाएगा अटेंशन नहीं मेंटेन कर पाएंगे राइट और अगर इन सब चीज़ों में कमी होगी तो फिर आप इमोशनली भी लोगों से खुल के एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे और समाज में आप बैठ भी नहीं पाएंगे बैठ नहीं पाएंगे का मतलब ये है कि आप बात नहीं कर पाएंगे उनसे तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी डेवलपमेंट के लिए और ये फिजिकल डेवलपमेंट क्या है इसमें फाइन मोटर ग्रॉस मोटर बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आता है यहाँ से फिर कॉग्निशन इमोशनल सोशल डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है देन ये डेवलपमेंट के सारे एक्सपेक्ट आस्पेक्ट जितने भी हैं वो सारे इंपॉर्टेंट है सो so लर्नर्स अगर आपको ये लेसन अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हमेशा मिलती रहें सो कीप लर्निंग एंड कीप डिसनिंग एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ थैंक यू सो मच